बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में चाहूंगा सारी कमेटी से सरदार जगसीर सिंह मंगयाणा जी, बराड़ साहब और उनके साथ सरबजीत बसीता जी, करण ओजला जी बड़ी दूर से चल के आए हैं, उनको सरोपा दे करके सम्मानित करें, और जब ये ऐसा करें तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके बोले सोनिहार। अब क्योंकि उन्हें लंबा सफर तय करना है तो ये इतना स्पेशल हमारे लिए यहां पर आए करण जी और सभी साथियों का, पूरी इनकी टीम का एक बार जोरदार तालियां बजा करके फिर से धन्यवाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम जवानों बैठ जाओ सर, ठीक। थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर घूम घूम कर पार्टी को बहुत मजबूत किया है, राजेंद्र लेतानी जी को, वो आए उससे पहले एक बार जोरदार तालियां बजा करके राजेंद्र लेतानी जी की बात सुनी। बहुत ही आदर और मान के योग, और आज के हमारे इस नागरिक अभिनंदन के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजय श्री दुष्यंत चौटाला जी, और युवा और छात्रों के मार्गदर्शक अजीत दिग्विजय चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरकार लोक सरदार निशान सिंह जी, सम्मानित मन, और इस ऐतिहासिक और जननायक युग पुरुष देव पुरुष चौधरी देवीलाल की चौटाला नगरी के निवासियों, सम्मानित हाजरीन, सबसे पहले आज के इस मुबारक मौके पर मैं आप सबका पूरे संगठन की तरफ से इस नागरिक अभिनंदन के लिए धन्यवाद करता हूँ। और वो जमाना जो हम किताबों में पढ़ते थे बुजुर्गों और साथियों के, भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या पहुंचे थे, आज चौटाला नगरी के निवासियों ने उसी नजारे को दोबारा जिंदा करते हुए अपने अजी दुष्यंत चौटाला को जो मान सम्मान प्यार दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और भगवान के भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि दोबारा से आज चौधरी देवीलाल को आज दुष्यंत के रूप में इस चौटाला की नगरी में और इस हरियाणा के धरती पे भेजने का काम किया। लेकिन बुजुर्गों और साथियों, एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूंगा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी, जिनका जीवन संघर्ष राज सत्ता में केवल और केवल जन कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए हुआ था, वही प्रण हमारे युवा नेता ने ले रखा है। आज के इस मुबारक मौके पर मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के उस 40 साल के संघर्ष को भी नमन करना चाहूंगा, और बहन नैना चौटाला जी, जिन्होंने अपने गृहस्थ की जिम्मेवारी निभाते हुए और अपने 4-5 साल के इस राजनीतिक नेतृत्व में अपने दोनों शेर सपूतों को जो संस्कार और संघर्ष की शिक्षा दी, आज उनके जन्म दिवस के मुबारक मौके पे उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। और आपसे एक गुजारिश करता हूँ, चौधरी देवीलाल राजनीति के संघर्ष में गाँव के लोगों को दो रास्ते दिखा के गए थे, एक था चौटाला से चंडीगढ़, जो आपने केवल 10-11 महीने की मेहनत में आज दुष्यंत चौटाला को